टेस्ट 2 का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या दिया 57। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब अपनी आय खर्च करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी है कि अर्थशास्त्र में प्रत्येक उपभोक्ता को विवेकशील मान के चला जाता है, और विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जो कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। और आपको पता है कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक संतुष्टि कहाँ होती है? समसीमांत उपयोगिता का जो नियम है, समसीमांत उपयोगिता का नियम है, वो कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक संतुष्टि को बताता है। और समसीमांत उपयोगिता कहाँ होती है? जहाँ MUX/PX = MUY/PY होता है। तो हमारे से प्रश्न पूछा है कि उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा? उपभोक्ता संतुलन में वहाँ होगा जहाँ समसीमांत उपयोगिता होगी। समसीमांत उपयोगिता कहाँ होती है? जहाँ MUX/PX = MUY/PY होता है। तो देखते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार गलत, बढ़ती प्रतिफल की गलत, समसीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उत्तर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 58। निम्न में से कौन सी उदासीनता वक्र की विशेषता नहीं है? तो उदासीनता वक्र की चार विशेषता हमने पढ़ी है। पहली विशेषता मैंने बताया था कि मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होना। दूसरा आपने पढ़ा था दाईं ओर झुके होना। तीसरा आपने पढ़ा था कि एक दूसरे को काटते नहीं है। और चौथा आपने पढ़ा था कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि का प्रतीक होता है। तो देखते हैं, ये मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये दाईं ओर नीचे की ओर झुके होते हैं, बिल्कुल सही है। ये परस्पर समानांतर होते हैं, जरूरी नहीं है। दो उदासीनता वक्र समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये विशेषता नहीं है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहाँ तीसरा विकल्प है, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 59। यदि किसी वस्तु की उत्पादन तकनीक में सुधार हो जाए, बेटा अगर किसी वस्तु की उत्पादन की टेक्नोलॉजी है वो पहले की अपेक्षा अद्यतन हो गई, उसमें सुधार हो गया, अब सुधार हो गया तो इसका मतलब पूर्ति क्या करेगी? बढ़ेगी। और पूर्ति बढ़ेगी तो पूर्ति वक्र बढ़ती है, तब कौन सी ओर जाता है? दाईं ओर। ध्यान रखना, आपको पता है पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर जाता है, और पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति वक्र बाईं तरफ आता है। जो यहाँ तकनीक में सुधार हुआ है, और तकनीक में सुधार हुआ तो पूर्ति बढ़ेगी, और पूर्ति बढ़ेगी तो कौन सी ओर जाएगा? दाईं ओर। तो पूर्ति वक्र दाईं ओर विवर्तित होगा, उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 60। साहसी के नवप्रवर्तन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको पता है नवप्रवर्तन का सिद्धांत है ये प्रोफेसर सुमपीटर ने दिया है, प्रोडक्शन वाले टॉपिक में से ये प्रश्न है। तो साहसी के नवप्रवर्तन की अवधारणा किसने दी है? प्रोफेसर सुमपीटर ने। प्रोफेसर सुमपीटर कहते हैं कि लाभ साहस का प्रतिफल होता है, लाभ साहस का प्रतिफल होता है, ये कथन प्रोफेसर सुमपीटर का है। अल्पकाल में एक फर्म को अपना उत्पादन जारी रखने के लिए कौन सी लागत वसूल होना आवश्यक है? ये मार्केट में से प्रश्न है। बेटा जी ध्यान रखना, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में एक फर्म को अपना उत्पादन जारी रखने के लिए एवीसी वसूल होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो वसूल होनी चाहिए। और दीर्घकाल में एक फर्म को अपना उत्पादन प्राप्त करने के लिए ATC वसूल होना चाहिए, एवरेज टोटल कॉस्ट है वो वसूल होनी चाहिए। तो अल्पकाल में ABC, दीर्घकाल में ATC। अल्पकाल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दीर्घकाल में एवरेज टोटल कॉस्ट। तो हमारे से अल्पकाल पूछा है तो औसत परिवर्तनशील लागत, उत्तर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 62। स्थिर कीमत पर GDP वर्तमान कीमत पर GDP से कम किस दौरान होती है? देखिए GDP दो, एक तो कौन सा मूल्य स्थिर और एक है वर्तमान का मतलब चालू। स्थिर कौन सी है? 2011-12 से गणना करते वो स्थिर होती है, और प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2023-24 चल रहा है, ये चालू है।
अब मान लीजिए कि कोई वस्तु अभी है वो 100 रुपए की है और 2011-12 के मूल्य पर ये मान लीजिए 70 रुपए की थी। यही तो प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न दिया है कि वर्तमान कीमत पर जीडीपी से कम कब होगी। ये तो वर्तमान कीमत पे है, ये स्थिर कीमत पर है। और अगर ये कीमत पे कम कब होगी, जब इस दौरान कीमतों में क्या हो, वृद्धि हो, कीमतों में वृद्धि हो, तभी तो मूल्य बढ़ा इसका। और कीमतों में वृद्धि है उसको क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति। तो मुद्रा स्फीति के दौरान ऐसा होता है। उत्तर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट, निम्न में से मुद्रा स्फीति को नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है। बेटो मात्रात्मक में मैंने 6 उपाय पढ़ा रखे हैं आपको। मात्रात्मक में CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO, ये 6 पढ़ाए हैं। इनके अलावा हैं वो कौन सा होगा, गुणात्मक होगा। तो रेपो रेट मात्रात्मक है, बैंक दर मात्रात्मक है, नकद कोषानुपात मात्रात्मक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है ये गुणात्मक होता है, सब डायरेक्ट एक्शन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 64, रंगराजन समिति के अनुसार भारत का गरीबी अनुपात कितना रहा है। रंगराजन, देखो रंगराजन, रंगराजन समिति के अनुसार भारत का गरीबी अनुपात 29.5% और तेंदुलकर के अनुसार पूछे तो 21.9%। ध्यान रखना ये दोनों डाटा महत्वपूर्ण है। अगर सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत का गरीबी अनुपात आपसे पूछता है तो अपन करेंगे 21.9%, पर हमारे से पूछा किसका, रंगराजन का, तो रंगराजन के अनुसार भारत का गरीबी अनुपात है 29.5%। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 65, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है। ये 7 जनवरी को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें पूछा था। तो ध्यान रखना राजस्थान में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर है, ये जोतों का औसत आकार है। ध्यान रखना जोतों का औसत आकार अगर इंडिया में पूछता तो 1.08 हेक्टेयर है भारत का, और राजस्थान का पूछता है तो राजस्थान का 2.73 हेक्टेयर है। ये ध्यान रखने वाली बात है, 2.73 हेक्टेयर है।